केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। इसमें माइंस और कोल को लेकर फैसला भी शामिल है। पूर्वोत्तर को लेकर भारत मोदी सरकार का फोकस रहा और आठ राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का फैसला हुआ है। रेलवे के लिए इंग्लैंड के साथ में एनर्जी को लेकर समझौते को भी कैबिनेट में बुधवार को मंजूरी हासिल हो गई है। इसके अलावा गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस देने का भी फैसला कैबिनेट ने किया है। नीलाचलम स्टील प्लांट में विनिवेश का जो फैसला हुआ उसके तहत MMTC, NMDC आदि के शेयर के कुछ हिस्से विनिवेश किए जाएंगे। इससे कि नीलाचलम स्टील प्लांट का विस्तार होगा और कैबिनेट ने फ्रांस के साथ मोबिलिटी के फैसले को भी मंजूरी दी है। इसमें छात्रों स्किलों लोगों के आने जाने की सुविधा बढ़ेगी। इसी के साथ हेल्थ के क्षेत्र में भी मिलिंडा और बिल गेट्स के साथ समझौते को मंजूरी मिल गई है।